भगवान विष्णु के 10 अवतार में से सबसे पूर्ण अवतार श्री कृष्ण थे, जो कि धरती पर पापियों की विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिए थे। परंतु क्या आप जानते हैं कैसे हुआ था भगवान श्री कृष्ण की मौत? कौन किया था उनकी अंतिम संस्कार? भगवान श्री कृष्ण की कौन सी अंग जला नहीं और आज भी धरती पर मौजूद है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। प्रणाम मित्रों, जय श्री कृष्ण चैनल पे आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने बिना हथियार उठाए महाभारत युद्ध के परिणाम पांडव के पक्ष में कर दिए थे, जिन्होंने भगवत गीता के उद्देश्य अर्जुन को समझाया, जिसको कलियुग में पढ़ते ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महाभारत युद्ध में गांधारी की 100 पुत्र का वध हो गया था और युद्ध समाप्ति के बाद गांधारी विलाप करने लगी थी। तब भगवान श्री कृष्ण उस दुख के समय गांधारी के सम्मुख गए। गांधारी वासुदेव श्री कृष्ण को देखकर बहुत क्रोधित हो गई और बोली, मेरे 100 पुत्रों के मृत्यु के कारण तुम हो। अगर तुम चाहते तो ये युद्ध टल सकता था, किंतु तुम ऐसा नहीं किया। तुम्हारे ये कर्म को मैं माफ नहीं करूंगा। और गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया और कहा, अगर मैं भगवान विष्णु के मन से आराधना की है तो, और अगर मैं पूर्ण रूप से अपनी पत्नी धर्म निभाई है तो, जैसे मेरे वंश का नाश आपस में लड़कर हुआ, ठीक वैसे तुम्हारे वंश का नाश आपस में लड़कर होगा और द्वारिका नगरी तुम्हारे सामने डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनकी परम धाम जाने के समय बहुत नजदीक है। फिर वह गांधारी को प्रणाम करके द्वारिका आ गई। दोस्तों, गांधारी भगवान विष्णु की भक्त थी। अपनी भक्त की श्राप पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों की मति भ्रष्ट कर दी। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद नारद, भृगु, विश्वामित्र, आसित, दुर्वासा आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि द्वारिका के पास पिंडारिका क्षेत्र में निवास करने लगे थे। एक दिन कुछ उदंड लड़का खेल खेल में उनके पास शाम को गर्भवती स्त्री के रूप में सजा कर ले गए और कहने लगे, हे ऋषिगण, आप तो त्रिकालदर्शी है, कृपया बताए कि उसके गर्भ में पुत्र है या कन्या। ऋषिगण अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ समझ गए और बोले, हे मूर्ख उदंड बालक, तुम्हारे द्वारा किया गया ये कार्य माफी योग्य नहीं है। शाम को जो तुम बनावटी गर्भवती स्त्री बनाकर लाए हो, अब उसके गर्भ से एक ऐसा मुसल पैदा होगा जो संपूर्ण यदुवंश का विनाश करेगा। ऋषियों के श्राप सुनकर सभी कुमार डर गए और जैसे ही शाम की पेट खोलकर देखे तो उसमें सही में एक लोहे का मुसल था। इसको सभी कुमार राजा उग्रसेन के पास रख दिए और सारे घटना सुनाया। राजा उग्रसेन ने उस मुसल को चूरा चूरा कराया और पूरे चूरन को समुन्दर में फेंकवा दिया। लोहे के कुछ टुकड़े को एक मछली खा गई और लोहे की चुरा समुन्दर के लहोरे के साथ किनारे आ गया और उससे बिना गांठ वाले घास उग गई। मछली पकड़ने वाले ने उस मछली को पकड़ लिया जिसने वह लोहे का टुकड़ा खाया था। जरा नामक बहलिया को जब वह लोहे का टुकड़ा मिला, उसने उसको अपने तीर के आगे लगा दिया। उधर यदुवंशियों ने मदिरा के नशे में आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। जब युद्ध करते करते उनके पूरे अस्त्र शस्त्र भाला तीर खत्म हो जाते हैं, तब यदुवंशी समुन्दर किनारे वाला एरेगा नामक घास को उखाड़ कर उसके सहारे एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। ये वही घास था जो कि ऋषियों के श्राप के स्वरूप मुसल के चूरा से उत्पन्न हुआ था। जैसे यदुवंशियों ने उस घास को हाथ में उठा लेते तो वह एक लोहे का कठोर मुसल में बन जाता था। इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ लड़कर पूरे यदुवंशियों की विनाश हो जाता है। यह देख बलराम जी ने अपने मनुष्य शरीर त्याग करके श्री कृष्ण के चरण कमल में समा गए। यदुवंशियों का विनाश और बलराम जी के शरीर त्यागने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक पीपल पेड़ के नीचे लेट गए। उस समय भगवान अपनी दाहिने जांघ पर बाएं पैर रखे थे। उनके पैर के तलवा मोती की तरह चमक रहा था। जरा नामक के बहिया ने पैर को हिरण की आंख समझ कर अपनी बाण निकाला। ये वही बाण था जिसके सम्मुख वाला हिस्से में मछली के पेट से निकला हुआ मुसल का बचा हुआ लोहा लगाया था। जरा ने जैसे अपनी बाण चला दिया, वो सीधे भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। जैसे जरा सम्मुख आकर देखा कि उसके तीर तो चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा है, तो वह घबरा जाता है और बहुत विलाप करने लगता है और बोलता है, हे प्रभु, मैं पापी हूँ। मैं आपके ऊपर बाण चलाकर अधर्म किया हूँ। मेरे जैसे आदमी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, कृपया मुझे अपनी हाथों बंद कर दीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत जरा, तुम कोई पाप नहीं किए हो। त्रेत्रया युग में तुम बाली थे और मैं राम अवतार लिया था। मेरे हाथों तुम्हारा वध छुप कर धोखे से किया गया था।
और इस जन्म में तुम मुझे धोखे से मारकर अपनी बदला ले लिए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण सशरीर वैकुंठ धाम प्रस्थान करते हैं और श्री कृष्ण के प्रस्थान करते ही द्वारिका समुद्र में डूब जाता। दोस्तों, कुछ अन्य कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार पांडवों द्वारा किया गया था। जब पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर के अग्नि संस्कार किए तो उनके पूरे शरीर जल गया था, पर उनके हृदय नहीं जला था। तब पांडवों ने उसको समुद्र में प्रवाहित कर दिए थे। बाद में भगवान का हृदय राजा इंद्रद्युम्न को मिला था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने हृदय को भगवान जगन्नाथ में स्थापित कर दिया और आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वही हृदय धड़कता है और हर साल रथ यात्रा से पहले नई मूर्ति में लगाया जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की कृपा से आपके परिवार कुशल मंगल रहे, यही शुभकामना के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।